पैकिंग का मज़ा ही कुछ और है। क्या एक्साइटमेंट है ना पूरे वार्डरोब को 2 से 3 सूटकेस में घुसाने की। किसी ने कहा था लेस इज मोर, पर यहाँ तो मोर इज नेवर इनफ लगता है। तो चलो शुरू से शुरुआत करते हैं। सो हेलो एवरीवन, मैं हूँ सलोनी और आपका स्वागत करती हूँ शादी सर्दी और फैमिली के फर्स्ट व्लॉग में, जहाँ हम ट्रैवल करेंगे फ्रॉम नंदुरबार टू अलवर फॉर माय कजिन्स वेडिंग। और हम आ गए हैं किचन में, जहाँ मम्मा और अंश बना रहे हैं सैंडविचेस, और ये है हमारी चमापूंजी केचप्स की। और मैं भी इनके साथ सैंडविचेस को फॉइल में पैक करने लगती हूँ, जैसे कि कोई मास्टर शेफ ही चल रहा है। सैंडविचेस के स्वाद का तो पता नहीं, पर उन्हें फॉइल में रैप करते वक्त मैं ASMR का मज़ा ज़रूर ले रही थी। और ये है मेरी मिशलिन स्टार लेवल की सैंडविच पैकिंग, जहाँ हर फॉइल जैसे कह रहा हो बस कर बहन, इतना टाइट रैप करेगी तो सैंडविच खाने के बजाय बॉक्सिंग मैच लगेगी। और अब आते हैं लिविंग रूम में, जहाँ पापा का मिशन ही शायद लगेज को वर्ल्ड टूर पर ले जाने का है। और हम सब हम तो बस अपने 9 लगेज के साथ एक कप चाय में डूब गए हैं, ये सोचकर कि ये 9 लगेज को हम 4 दो हाथों वाले कैसे उठाने वाले हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक मैं ली आती थी तो 10 बैग हो जाते थे ना। बता तो मैं कौन से उठाने वाला हूं। ये तो आगे पीछे लगा लूंगा मैं ये। अच्छा छोटा वाला बच्चा ने कुकु लगा ली है। अरे मैं बता रहा हूँ ना, ये आगे पीछे हो जाएगा, ये आगे पीछे हो जाएगा। फिर हुआ तो तुम देख लो कौन सा दोगे, नीला दोगे या काला दोगे उठाने। वो तो मेरे मेरे नाम में बड़ा वाला ना, मैं उठा लूंगा आराम से। आगे का बड़ा नन्हू खींचे उठा लूंगा सारा। मेरा कौन सा बैग है? हम जाने 4-व्हीलर के अंदर वाले हैं और टोटल हमारे पास 9 लगेजेस हैं। आई गेस बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाला है, बैग्स को हम उठाएंगे कैसे, आई डोंट इवन नो। वैसे भी मैं 2-3 साल 5-4-5 साल में एक बार जाती हूँ और मैं अब जा रही हूँ। सो उठाते सामान, मैं अपने घोमी को मिस करूँगी। किचन भी पैक हो गया। बाय पिंकी भैया। माय डियर फिशो, प्लीज अपना ध्यान रखना तुम तीनों, बाय। और अब हम घर के बाहर है, जहाँ अपने इंफिनाइट सूटकेसेस को कार के ट्रंक में फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये देखो डिक्की की स्पेस और हमारे सूटकेसेस के बीच हो रहे इस कंपटीशन को, जैसे कि कोई लगेज ओलंपिक्स ही चल रहा है। और मैं तो पीछे की सीट पे लगेज के बीच ऐसी फंसी हुई थी जैसे कोई लगेज फोर्ट्रेस की ही कमांडर हूँ, जिसकी बस कमर की बैंड बच रही थी। इसे भरतरी बाबा है कौन? पापा को भरतरी बाबा ना बताओ। माय होम, कैन आई सी इट फॉर वन लास्ट टाइम? बाय बाय होम। जय श्री राम। जय बजरंग बली। और कोई भगवान का नाम लेना? गाड़ी नीचे से टच होती है तो वजन की वजह से होती है, उनकी गाड़ी भी ऐसे ही टच हो रही थी ले जा रहे थे स्पीड ब्रेकर पे। वजन हो गया मैं मेरे में तो है ही नहीं। मेरे पास समझ आ रहा है, इतनी बड़ी सैटेलाइट को लगा रहे।
रेलवे स्टेशन आ गया है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, मेरी हिंदी आपकी फोर व्हीलर अभी सामने दिख रहे स्टेशन पर रुक जाने चाहिए। आप कहाँ पे रुकोगे? वहाँ रुकेंगे, वहाँ पे ना एंड में नहीं तो? बीच में रुकेंगे, विलेज में स्टेशन पे। मामा आप स्टेशन को तो बिल्कुल हैरी पॉटर का वो सवा नौ वाला प्लेटफॉर्म था ना वैसा बना दिया। नहीं आप स्टेशन तो देखा, ये है हमारा हैरी पॉटर वाला स्टेशन। रैंप है ना चढ़ाने के लिए भाई, तूने ऐसा ही समझाया क्या? मेरी तो एक कमर टूट चुकी है अब बस। अंदरवार पे सीधी था। चलो भाई चलो सामान उतारो। हम पहुंच जाते हैं नंदुरबार स्टेशन और लगेज निकालते हैं। जितना मुश्किल गाड़ी में सामान सेट करना था उतना ही मुश्किल इसे निकालना भी। हम प्लेटफॉर्म पर थे, ट्रेन का वेट कर रहे थे। वहाँ खड़े मेरी बचपन की सभी यादें ताज़ा हो रही थी। ट्रेन जर्नी के वो सारे नज़ारे, साउंड्स और वैकेशन के नाम पर हमेशा अलवर जाना। पर जो भी हो, ट्रेन जर्नीज मेरी हमेशा से ही फेवरेट रही है। इस ट्रेन के आते ही मुझे लगा इंतज़ार ख़त्म हुआ, पर पापा ने कहा ये हमारी ट्रेन नहीं है, तो हम फिर से इंतज़ार करने लगे। फाइनली इंतज़ार ख़त्म होता है और हमारी ट्रेन आ जाती है। मैं ट्रेन पे चढ़ती हूँ और अपनी सीट की तरफ कॉन्फिडेंटली जाती हूँ और मैं क्या देख रही हूँ, यहाँ तो ऑलरेडी एक पैसेंजर बैठी है। मैं उसे अपना सीट नंबर बताती हूँ और वो मुझे अपना सीट नंबर बताती है। मैं उसे लुक्स देती हूँ और वो मुझे लुक्स देती है। एंड दैट्स व्हेन माय फादर रियलाइज कि हमने गलत ट्रेन पकड़ ली है। हमारी सीट तो हमारे बिना ही पिछली ट्रेन में सूरत निकल गई। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि दोनों ट्रेन्स के बीच में सिर्फ लास्ट 2 डिजिट का डिफरेंस था और वो सुबह से रॉन्ग ट्रेन का स्टेटस एंड टाइम चेक कर रहे थे। वाओ। बट थैंक्स टू माय पापा'स पोजीशन कि हमें सीट मिल जाती है सूरत तक के लिए। हम सूरत पहुंचते हैं और वेटिंग रूम में जाते हैं, पर वहां तो 2 घंटे पहले आए हुए लोगों के लिए जगह नहीं थी, तो हमें क्या खाक मिलने वाली थी। इसलिए मैं और अंश निकल पड़ते हैं सूरत स्टेशन को एक्सप्लोर करने। और करते करते हम पहुंच जाते हैं सूरत की सड़कों पर। सड़कों पर उतरते ही हम देखते हैं कि यहाँ पर ट्रैफिक तो मेरे दिमाग में हो रहे ओवरथिंकिंग के ट्रैफिक से भी ज्यादा था। अंश को भूख लगी थी और सड़कों पर अंडों के अलावा और कुछ नहीं बिक रहा था, तो हम चले जाते हैं आइसक्रीम खाने। यहाँ का टेम्परेचर नंदुरबार के टेम्परेचर से काफी सिमिलर था, डेट इज 22 डिग्री सेल्सियस। पापा ने हमें टाइम लिमिट दी थी 45 मिनट्स की, पर मैं अंश को 30 मिनट में ही वापस ले आई। वो क्या है ना, भले ही मैं कितना भी ट्रैवल कर लूँ, ट्रेन छूट जाने का फोबिया कांस्टेंट ही रहता है। किस्मत थी हमारी कि इस बार हमें बैठने की जगह मिल जाती है और साथ ही ये क्यूट सी लड़की, जिसे मेरा ट्रैपॉड किसी एलियन डिवाइस से कम नहीं लग रहा था। फोटो बोल, फोटो बोल, फोटो फोटो। फैला लिया फोटो। सो इट्स 10:30 PM एंड हमारी ट्रेन का अनाउंसमेंट हो जाता है। एंड हाँ, इस बार ट्रेन पकड़ने से पहले ही मैंने पापा से ट्रेन नंबर कंफर्म करा लिया था। सो दैट वॉज ऑल अबाउट दी डे 1 ऑफ शादी सर्दी एंड फैमिली। अभी तो और 9 दिन बाकी है, पता ही नहीं क्या क्या होना बाकी है। सो स्टे ट्यून फॉर दी व्लॉग 2 ऑफ डे 2। सी यू लेटर, बाय।